शतरंज खेले मौत का माया विचार हर एक नए बक्से पर एक नया खतरा है और बाहर जाने का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करें? विशु, शतरंज चाहे कैसा भी हो जीतने का सिर्फ एक ही नियम होता है कि राजा को खत्म कर दो। वो देख वो राजा, अब हमें कुछ भी करके उसे खत्म करना है ताकि हम जल्दी से इस खेल से बाहर निकल सके। फिर तो हमारे पास समय भी बहुत कम है, पता नहीं हम माया के साल में होगी और उस गुरुकाल के मायावी देर से पता नहीं मम्मी का भी क्या हाल हो जाऊंगा। ये हाथी पैसे जैसी बॉडी वाला कौन आ गया? एक तरफ आगे और दूसरी तरफ ही पैसा। अब हम क्या करेंगे? इसको अचानक क्या हो गया? इतना प्यार? ये अच्छा है। पहले किडनैप करो, डराओ, भगा, फिर अपनी मायावी किताबों से पिटवाओ। नहीं खाना मुझे ये खाना, मुझे घर जाना है। खरगोश ने खाना तो बड़ा अच्छा बना है। पहले नहीं बता सकते थे कि वो कढ़ाई खाना पकाने की है। मुझे लगा कि तुम मुझे पकाने वाले हो। पर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? मुझे अब बांध क्यों रखा है और तुम चाहते क्या हो? कितना बकबक करती है लड़की। फिर घर आ वापस से तुम्हारे सर पे किताब मार के तुम्हें बेहोश कर दूं, शांति तो मिलेगी। किताब सर पर मत मारो, समझे? जब मैं किताब पढ़ती हूँ ना तो अपने आप ही चुप बैठ जाती हूँ। अच्छा तो ये लो, लो पढ़ो और मुझे भी कहानी सुनाओ। जल्दी। कुछ साल पहले की बात है, एक था राजकुमार जो अपने आप से करता था बहुत प्यार, अपनी जनता पर करता था अत्याचार। तो दिखने में जितना सुंदर था उसका मन इतना ही मैला था। उसे अपनी सूरत और शक्ल पर बहुत घमंड था। तो पापी राजकुमार सिर्फ एक ही पुण्य का काम करता था, जो महल के पास नदी झरने में रहती मछलियों को खाना डाला करता था। इंसानों से जानवर जैसा व्यवहार करता था और जानवरों को इंसानियत दिखाता था। उसके जुल्म से तंग आकर एक दिन सब गांव वालों ने आत्महत्या कर ली और उसके पाप का गदा फूट गया। अचानक आसमान से आई तेज रोशनी जो दी गई राजकुमार को श्राप, उसका सब कुछ छीन जाएगा, मन का मैल बाहर आ जाएगा। जैसे उसने अपनी प्रजा को महरून रखा, वो एक सुंदर राजकुमार से दरिंदा बन जाएगा क्योंकि वो
मछलियों को खाना डालकर सिर्फ एक ही पुण्य का काम करता था, इसलिए उसे एक जीवन दान भी मिला। जीवन दान? कैसा जीवन दान? वो नहीं बता सकता, वो तभी पता चलेगा जब कहानी पूरी होगी। लेकिन वो जीवन दान उसे मायावी गुलाब की सारी पंखुड़ियां गिरने से पहले मिल जानी चाहिए, वरना मतलब वो राजकुमार की जात एक मायावी गुलाब में, और जब तक उसकी पंखुड़ियां नहीं गिरती तब तक वो जिंदा रहेगा, और जब सारी पंखुड़ियां गिर गई तब गुलाब के साथ साथ वो भी मर जाएगा। वो राजकुमार अपना जानवर जैसा रूप देख के रोया, गिड़गिड़ाया, पछताया, लेकिन वो रोशनी ने उसे कहा कि अगर आज के बाद उसने कोई भी बुरा काम किया तो उसके हाथ से वो मुक्त होने का वरदान भी निकल जाएगा। और वो राजकुमार ने उसे वादा किया कि आज के बाद वो कोई भी बुरा काम नहीं करेगा, किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। वो राजकुमार अपनी टूटी फूटी जिंदगी ले बताने लगा कि एक इंतजार में कोई आएगा, जानवर के कैद रूप में राजकुमार को देखेगा और उस पर तरस खाके उसे श्राप से मुक्ति दिलाएगा। ओह माय गॉड, क्या कहानी है बॉस। पहले जिस राजकुमार के लिए गुस्सा आता है, बाद में उसे के लिए बुरा भी लगता। पूरी तरह से बदल गए तो क्या होगा? जीजा जी, महागुरु बस थोड़ी देर में वो शक्तिशाली जड़ी बूटी लेके आते ही होंगे। मुझे पूरा विश्वास है दीदी ठीक हो जाएगी। डर है कि मेरी शक्तिशाली जड़ी बूटियों का रुकमणी पर कोई असर नहीं होगा। आदित्य, अब जब तक बच्चे वो मायावी गुलाब नहीं ले आते, उसके चल से ही रुकमणी ठीक हो सकती है। बच्चों के आने तक मैं रुकमणी के शरीर में शैतानी शक्ति के असर को बढ़ने से रोकने की कोशिश करता हूं।
देखा जीजा जी, मैंने कहा था ना माँ गुरु की शक्तिशाली जड़ी बूटियां दीदी को ठीक कर देगी। दीदी आप ठीक हो गई। अट्टा गट्टा दिखने वाला आदमी मर गया। अब चलो भी मिलकर उस राजा को हराते और इस मौत की माया भी शतरंज से बाहर निकलने का ही रास्ता ढूंढते। विशु, 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 विशु। इसका मतलब गुरुकाल का बच्चों को उस सुनसान नगरी में उस दोरिंदे के पास से मायावी लाभ लेने भेजने का वो सब एक बहाना था। मेरी जिंदगी की सांस है इस गुलाब की पंखुड़ियों के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये गुलाब की पंखुड़ियां टूट गई तो मैं भी मर जाऊंगा। अच्छा, तो इसलिए आप हमें गुलाब का फूल लेने से रोक रहे थे। सॉरी, हम आपको पूरी शक्ति समझकर मारना चाहते थे। शतरंज के राजे को मार दिया। अब चल माया को ढूंढते। विशु, वो देख। मैं तुम्हें मारने नहीं आया, तुम्हें माया के पास ले जाने आया हूँ। माया उस किताबों के कमरे में बंद है, चलो मेरे साथ। ओ, माना कि मैं शक्ल से बेवकूफ दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं, समझे? इससे वैसे मैं बहुत समय बर्बाद हो गया। अब ज्यादा मैं इसमें कोई शैतानी डरने, आज तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म होगी। अगर मेरी बात नहीं सुनी तो कभी माया से नहीं मिल पाओगे। अभी मत, तू और मत, हम नहीं डरते। जल्दी से बता मेरी बहन कर, वरना मैं तुझे आज ही खत्म कर दूंगा। फटाफट से माया को भी ढूंढ सकते और उस गुलाब का फूल भी ले सकते। हाँ भैया, तो उसने कहा था कि लाइब्रेरी में, इसका मतलब माया वहीं पर। हमें जल्दी से माया को बचा के वो गुलाब का फूल लेके यहाँ से निकलना चाहिए। चल इधर। आदमी क्या हुआ? अभी ये तो तू ही शैतानी दरिंदा बन रहा। अगर तू पूरा का पूरा शैतानी दरिंदा बन गया तू बस, आप अभी शैतानी दरिंदा बन जाएगा।
यही तो मैं चाहता था, इसलिए मैंने महारानी पर झूठा वार करके काफी को सुनसान नगरी भेजा। उस शैतान दरिंदे के पंजे में ऐसा जहर है जो अच्छाई और शक्ति के रक्षक सफेद जादूगर को भी अपने जैसा दरिंदा बना सकता। बस धीरे धीरे अभी इंसान से शैतान बन जाएगा और वो मावी चाबी बाहर निकल जाए, क्योंकि मायावी चाबी सिर्फ इंसान के शरीर में रह सकती है। वाह गुरु घंटा, वाह, सच मेरे आका हो आप। आपकी पहली चाली कामयाब होगी। जय शैतान। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हमला करने की? अभी तो बड़े डिंगे हाँक रहे थे, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, और अब आपकी वजह से मेरा भाई क्या बन गया है? आप अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? अब पता नहीं अभी का क्या हाल होगा। देखो मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है, पर उन्होंने भी तो अभी इन सब बातों में व्यर्थ नहीं करते हैं हम अपना समय। हमें इन किताबों में अभी को बचाने का उपाय ढूंढना होगा। तुम ही तो कहती थी ना कि इन किताबों में हर समस्या का समाधान है। हाँ, पर इतने सालों में अगर आप ही ठीक नहीं हुए तो मेरा भाई अभी कैसे ठीक हो पाएगा? देखो अभी अभी पूरी तरह से जानवर नहीं बना है, हम उसे अभी भी बचा सकते हैं, लेकिन अगर वो पूरी तरह से जानवर बन गया तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि अभी मेरी तरह दुनिया से दूर अकेले में जिंदगी गुजारे। अच्छा, तो आप अपनी सारी किताबों को कहिए कि अभी का इलाज ढूंढने में मेरी मदद करें। अब ये सारी किताबें तुम्हारी बातें मानेंगी, यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख। सुनो कम देखी सारी किताबों, आओ सामने और मेरे भाई अभी को बचाने का रास्ता बताओ। उस गुलाब के फूल के साथ मेरा भी इलाज हो जाएगा, और फिर हमें कुछ भी करके जल्दी वो फूल ढूंढना होगा। इससे पहले कि दरिंदा यहाँ पर भी आ जाए, हमें जल्दी से माया को बचाना होगा। ओए, यहाँ पर तो एक और कमरा है, पता नहीं इसके पीछे कौन सा खतरा छुपा होगा। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है विशु, इस कमरे के अंदर हमें जाना ही होगा। अगर यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े मच्छर हैं, तो सोच इनसे और कितने बड़े बड़े मच्छर यहाँ पर होंगे। पेन, मेरा पेन तो वहाँ गिरा है, मैं भी लेकर आता हूँ।